सब्सक्राइब कीजिए हिंदी टेक ट्यूटोरियल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कुछ नया सीखने के लिए। हे गाइस, दिस इज कृष्णा एंड आप देख रहे हैं हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ एक स्मार्टफोन का रिव्यू। इसका मॉडल जो है ये है वीवो का V5S है। आज मैं इसका रिव्यू आपके सामने लेकर के आया हूँ और आज मैं इसके पूरे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ मैं आप लोग को आज बताऊंगा कि क्या क्या अच्छाइयां हैं इस फोन में और इस फोन को आपको क्यों खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। हे गाइस, दिस इज कृष्णा एंड आप देख रहे हैं हिंदी टॉक ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ एक फोन का रिव्यू जिसका मॉडल है वीवो V5S और इसके बारे में बात करूंगा आज फोन की क्या फीचर्स हैं, फोन देखने में कैसा लगता है। लुक वाइज फोन की बात करें तो लुक वाइज तो फोन काफी बेहतरीन है। आप ये सामने देख सकते हैं फोन लुक वाइज काफी तगड़ा है ये और जो इसका स्क्रीन साइज है वो 5.5 इंच का है और साथ ही साथ इसमें जो आपको कैमरा मिलता है प्राइमरी कैमरा इसमें जो 13 मेगापिक्सल का है और जो फ्रंट कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का है। कैमरे की क्वालिटी काफी बेहतरीन है, यूज करके मैंने देखा हुआ है। मैं एक दो फोटो या सैंपल वीडियोस को डालूंगा, आप देख लेना। इसकी जो कैमरे की क्वालिटी है वो काफी बेहतरीन है और साथ ही साथ में अगर इसके बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 4GB की रैम मिलती है, 64GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी बेहतरीन है। फोन काफी स्मूथ है और देखने में काफी स्लिम फोन है ये, क्योंकि हमने जो मंगवाया है गोल्डन व्हाइट कलर का वेरिएंट है फोन का और इसलिए देखने में काफी बेहतरीन लग रहा है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं तो इसमें आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिलता है, फिंगरप्रिंट लॉक है, फिंगरप्रिंट से लॉक कर सकते हैं और इसके अलावा साथ साथ यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेशन का मिलता है। चार्जिंग के लिए जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, स्पीकर्स भी यहीं पे है बगल में उसके और इधर साइड में आपको हेडफोन का जैक मिलता है। तो कुल मिला के जो फोन के फीचर्स हैं, जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं वीवो का पहले भी यूज़र रह चुका हूँ, वीवो मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है तो मुझे मालूम है कि वीवो को जो फ़ोन है इनके फीचर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो इस वाले फ़ोन की भी फीचर्स काफ़ी अच्छी हैं और इसकी जो सैम्पल वीडियो है वो मैं इस वीडियो में अटैच कर दे रहा हूँ, आपको सैम्पल वीडियो इसकी मिल जाएगी। तो मैंने चूंकि यूज़ करके जैसे देखा है उस हिसाब से तो इसकी सैम्पल वीडियोज़ जो भी हैं बहुत अच्छी हैं, वीडियो और फोटो की जो क्वालिटी है। खासतौर पर अगर इस फ़ोन का यूज़ आप सेल्फी के लिए करते हैं तो और भी अच्छा है। इसकी जो सेल्फी का कैमरा है फ्रंट कैमरा जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, तो सेल्फी के लिए तो फोन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और बाकी अगर आप नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या फिर किसी भी काम के लिए यूज़ करते हैं, ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा फ़ोन है। मेरा जो लास्ट ब्लॉग आया था उसमें मैंने तुम लोग को बोला था कि जो मैंने फ़ोन लिया है वो ब्लॉगिंग के लिए लिया है, तो वो ये फ़ोन नहीं था, वो एक दूसरा फ़ोन है जो मैंने ब्लॉगिंग के लिए लिया हुआ है। तो उस फोन को मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस फोन का भी मैं कोई रिव्यू नहीं बना पाया था, उस फोन की भी मैं रिव्यू बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको नॉर्मल फोन दिखा देता हूँ। तो वो जो फोन है वो ये है, लेनोवो का है K6 पावर। ये मैंने 3GB की रैम के साथ में लिया हुआ है, 3GB रैम 32GB स्पेस के साथ में K6 पावर। मैंने अभी इसको परसों ही खरीदा है और इसकी वीडियो में जो है रिव्यू वीडियो बना दूंगा एक दो दिन में। लेकिन अभी जो फ़ोन की मैं बात करूँ तो अभी तक मेरे को फ़ोन में कुछ अच्छाई नज़र नहीं आई, फ़ोन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया फ़ोन। तो फ़ोन अभी मैं यूज़ कर रहा था, दो दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा था और आज क्या हुआ कि फ़ोन यूज़ करते करते अचानक से हैंग हो गया और फिर बंद हो गया, उसके बाद फिर ऑन नहीं हो रहा था, पूरा दिन फ़ोन ऑन नहीं हुआ। फिर शाम को चार्ज वार्ज में लगाया, काफ़ी कोशिश किया तो फिर जाके फ़ोन ऑन हुआ। पता नहीं ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम आई है या फिर आगे भी आने वाली है इस तरह की प्रॉब्लम, तो आगे अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोग को वीडियो में बताता रहूँगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ये फ़ोन मैंने अपने लिए लिया है तो इसको मैं कुछ दिन यूज़ करूँगा। तो यूज़ करके जैसे भी इसका जो भी रिव्यू होगा उसके बाद मैं आप लोग को देता रहूँगा। लेकिन अभी तक का जो मेरा दो दिन का एक्सपीरियंस रहा है लिनोवो को लेकर के वो तो बहुत ही बेकार रहा है। खैर, बाकी इस फ़ोन की जो बात है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा। अभी हम बात कर रहे हैं वीवो के बारे में। तो वीवो का जो ये फ़ोन है ये काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसको हमने पेटीएम के थ्रू बाय किया हुआ है, तो वहाँ पे जो रेट है वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि फ्रेंड ने बाय किया है, मैं उससे पूछ के बोल दूंगा या जो उसका रेट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे जहाँ तक मेरे को मालूम है 14-15 हज़ार के आसपास में ये फ़ोन उसको मिला है, तो जो भी रेट होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको बाय करना हो तो वहाँ पे जो लिंक होगा वहाँ से जाके आप इस फ़ोन को बाय भी कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और अगर फोन का जो रिव्यू रहा ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में हमारी जो वीडियो है अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। क्योंकि अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ वो मैं लिनोवो के बारे में लेकर के आने वाला हूँ,
रुके ले लूँगा फ़ोन के साथ में, जो मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में आप लोग को बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके जो भी बैड एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस होगा, गुड एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस, सारे मैं उधर आपको बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।